इसमें आप देख पा रहे होगे जैसे टिक वगैरह लगा, तो ऐसे करके जैसे ये लेवल वन है, और ये टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा हुआ है सेम लेवल टू। और इसमें ना हर इसमें बैग रेडी, हम भी रेडी। संडे है बट नो फन डे, आज रिविजन डे, जा रहे हैं लाइब्रेरी। सुबह का अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सारा हो गया, आते हैं लाइब्रेरी से, जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे या फिर जो भी चीज़ वहाँ पे रिविजन के दौरान मेरे को कुछ नया मिलता है तो वो शेयर करते हैं। वापस से केस के रूम पे, लाइब्रेरी से वापस। इधर हमारा दोस्त सच में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सा खाना बना रहा है, मज़ा ही आ गया। इसलिए जल्दी लाइब्रेरी से आ गए, खाना पीना खाते फिर मिलते हैं अपने टेबल पर। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और क्या हाल चाल। सो संडे खत्म, रिवीजन डे खत्म, मजा आ गया संडे को पूरा। मतलब आप थोड़ा सा अर्ली वीडियो में देखे होंगे, लाइब्रेरी गए थे, वहां प्रैक्टिस किए, जैसा आप बताए थे पिछले वीडियो में कि सिर्फ रिवीजन चलेगा, बहुत ज्यादा ऐसा हार्डकोर रिवीजन नहीं किए कि एकदम लग गए। रिवीजन भी किए और साथ में ये भी कंप्लीट किए। तो देखो रिवीजन ऐसा रहा अपना, स्टार्ट करते हैं जैसे अपना क्वांट से शुरू किए थे। तो क्वांट में क्या किया कि जो भी पहले पढ़े हुए थे उसका जो जो मेरे से क्वेश्चन नहीं बना था वो ट्राई किए बनाने का। जो क्वेश्चन जैसे हम बताते थे ना, वो सर्कल बना देते थे क्वेश्चंस पे, या टॉपिक वाइज लिख के रखते थे कि हाँ मेरे से ये नहीं बन रहा है, तो वो सब चीज ट्राई किए पिछले। अभी मतलब 10 दिन से जो गैप था उससे पहले जो जो चीज क्लास में या फिर अपने से पढ़े थे वो रिविजन कर लिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा सम बनाए, जो जो बेसिक मतलब जो जो नहीं बन रहा था वो सारा वापस से बनाने का ट्राई किए। मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे के आसपास क्वांट्स में दिए, सेम एलआरडीआई में किए। एलआरडीआई में जो भी पहले क्लास में बताया गया था, जो टॉपिक्स हो चुके उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लिए। पैसेज जो था, पैसेज में तो देखो रिविजन करने को कुछ होता है नहीं, तो फिर न्यू पैसेज ही बना लिए। थोड़ा उसका टर्म्स वगैरह जो होता है ना, टोन वगैरह सब, वो सब याद कर लिए कि हाँ ये सब टोन के नाम होते हैं, वो सब पता कर लिए। उसके बाद फिर आज जब ये सब करने के बाद मेरे को शाम में एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो ये जैसे हम वीएआरसी का बता रहे, मतलब वीए का समझ लो, ये बता रहे थे कि इसमें पैरा जंबल सेंटेंस, 4 सेंटेंस टाइप हम जैसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये तो 2 है लेवल 1, मतलब लेवल देखो इसमें आप देख पा रहे होगे जैसे टिक वगैरह लगा, तो ऐसे करके जैसे ये लेवल 1 है, और ये टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा हुआ है सेम लेवल 2। और इसमें ना हर इसमें टोटल रहता था 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, तो ऐसा ऐसा करके इसमें भी आप देख रहे हो टोटल हम 5 इसका एक्सरसाइज कंप्लीट किया शाम में बैठ के। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं था इसलिए हो गया टोटल। मतलब ओवरऑल लेके चलो तो 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए, इसका मजा आ गया। और अब इसको कल नहीं बनाएंगे, अब फिर पैसेज पे लगेंगे। पैरा जंबल्स में जैसे अभी आपको बता रहे थे कि ये 4 सेंटेंस टाइप था, तो इसका कर लिए। अब ना 5 सेंटेंस टाइप करेंगे, उसके बाद फिर इसको छोड़ के ना फिर इसमें दूसरा जो चैप्टर है जैसे कि इन्फरेंशियल रीजनिंग वगैरह हो गया, ऑड वर्ड आउट हो गया, तो इनमें से कुछ एक ट्राई करेंगे। अब पैरा जंबल्स का तो 2 कर लेंगे, एक 5 4 सेंटेंस टाइप और एक 5 सेंटेंस टाइप का, तो वो हो जाएगा। तो ये पैरा जंबल मतलब वीए का एक अच्छा खासा प्रैक्टिस मेरा पैरा जंबल्स का हो गया है सेम। उसके बाद फिर कल से क्लास है, और कल से अब पहले शाम में क्लास होता था तो अभी कुछ डिस्कशन वगैरह हो गया है, तो अब सुबह क्लास है, तो सुबह 10 बजे से क्लास रहेगा, तो सुबह लाइब्रेरी तो नहीं जा पाएंगे। अगर हाँ एकदम अर्ली मॉर्निंग ऐसा हो गया कि हम 6 बजे उठ के लाइब्रेरी चले गए फिर उधर से क्लास, तो वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि फिर हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो अब मेरे को ब्रेकफास्ट ऐसा चाहिए कि कंटिन्यू, तो हम सुबह उठेंगे, देखते हैं फ्रेश फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लेंगे मतलब रूम पे अंकेश के जाके। अगर 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा गैप रहा तो लाइब्रेरी चले जाएंगे, वहीं से डायरेक्ट क्लास चले जाएंगे, नहीं तो फिर आराम से, क्योंकि मेरे को ऐसे भी 9 बजे 9-9:15 तक निकलना पड़ेगा एक क्लास के लिए। तो देखते हैं अगर 7 बजे तक सब हो गया तो ठीक है, नहीं तो 8:30-9 बज गया तब तो नहीं जा पाएंगे। उसके बाद से फिर समझ लो कि जब आएंगे तो खाना पीना खा के फिर एक अच्छा रेंज मिल जाएगा मेरे को 3 से 10 का, मतलब बीच में आधे घंटे का गैप ले लो, 5-6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाएगा कल से। तो ये भी अच्छा ही है क्योंकि शाम में खाना खाने के बाद बहुत लेजी सा फील आता था, मन नहीं करता था जाने का, बट ठीक है मजा आएगा। ये सारा सीन था। और जैसे कुछ लोग सीएल को लेके पूछ रहे थे अभी भी मेरे से कि कैरियर लॉन्चर का क्या रिव्यू है, कैसा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या सीन है नहीं है। देखो हम अपना रिव्यू बताएं कि अभी तक मेरे हिसाब से सही है, बट अगर कभी कभी मेरे को क्लास में कुछ कुछ चीजें एलआरडीआई में इशू आता है तो हम बोल देते हैं तो मेरा सॉल्व हो जाता है। मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग आप बस ट्यूशन पता कर पाओगे ये क्या, लेकिन खुद का जब तक आप जाके एक्सपीरियंस नहीं करोगे, अब तो जाके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास तो मत ही लेना, ऑनलाइन क्लास ले लो। उसमें टीचर्स कौन कौन से रहते हैं,
ऑनलाइन में ये हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बहुत सारे टीचर्स है, जरूरी नहीं है कि मेरे सेंटर वाले टीचर ही वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, वो भी लोग भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बट वो कौन से स्टूडेंट उसमें आएंगे नहीं आएंगे ये सब चीज नहीं पता होता है मेरे को। तो अगर आप बोलोगे कि हाँ कैरियर लॉन्चर का, तो हम नंबर दे देंगे या फिर साइट वगैरह दे देंगे, आप नीचे जाके क्वेरी कर सकते हो, क्योंकि मेरे से बार बार पूछने सर लोग पे थोड़ा ये हो जाता है कि ये पूछता है बार बार दूसरे को लेके, तो थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं, बट उन लोग को भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे पास डायरेक्ट क्वेरी क्यों नहीं आता है, अब मेरे को फिर क्लास छोड़ के 10-15 मिनट एक्स्ट्रा करना। तो जिनको क्वेरी है वो मेरे को कमेंट में बताना, हम सीएल का नंबर दे देंगे, साइट दे देंगे आप, क्योंकि देखो आप जब खुद से बात करोगे ना तो आप अपने तरीके से बात करोगे, हम एज ए स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ते हुआ, तो सर मेरे को अब मैं जब हम भी बात करने जाते हैं तो सर यही बात बोलते कि बोलो मेरे से डायरेक्ट बात कर ले या नॉन, क्योंकि अभी का जो फीस का रेंज है, और इसलिए बोल रहे ना कि अभी जो फीस का रेंज है जो मेरा पहले फीस का रेंज वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट समझ लो 20-30% का डिफरेंस है। अभी फीस कम है क्योंकि टाइम कम है, मेरा बहुत ज्यादा फीस लगा था, बहुत ज्यादा नहीं उस टाइम का उतना फीस ही था, क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़े थे, रॉ स्टार्ट किए थे। अभी तो मतलब आप जो भी ज्वाइन करोगे वो यही समझ के ज्वाइन करवाएंगे कि हाँ कि आपको ऑलरेडी फाउंडेशन आता है, बेसिक्स आते हैं, मतलब एक थोड़ा सा मीडियम लेवल का पढ़ाई शुरू हो जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो आप अपने से करो, बाकी टेस्ट, बाकी मॉक टेस्ट को लेके जो बोल रहे थे, तो कैरियर लॉन्चर, IMS, टाइम, ये तीन का मेरे को पता है कि इन तीनों में से अगर आप किसी का भी मॉक टेस्ट लेते हो तो आप मतलब मोर देन इनफ है वो, क्योंकि एक लेवल हाई रहता है कैट का, जो ओरिजिनल पेपर रहता है क्वेश्चन का उससे हमेशा वो थोड़ा सा हाई क्वेश्चन ही पूछते, ताकि वो एग्जाम वाला इन्वायरमेंट बना रहे, क्वेश्चन वैसा देख के अंडर प्रेशर जो होते हैं ना कि पैनिक ना हो जाए, वो प्रेशर समझ में आ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन पे इतना टाइम लगता है। तो इन तीनों का अगर आप लेना चाहते हो, ऐसा नहीं कि ये बाकी टाइम और IMS मेरे को बोला, ऐसा नहीं, ये हम खुद भी देखे हैं, सीएल का कर रहे तो मेरे को पता है, बाकी और भी सारे हैं बट और सारे का मेरे को उतना पता नहीं, क्योंकि अगर वो लोग वही है कि रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सारा का कि और सारे कैसा कराते हैं, तो फिर मेरे को समझ में आएगा। बाकी ये इन तीनों का अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो देखो रिविजन डे था, बहुत कुछ नया तो पढ़े नहीं, सारा पुराना चीज ही पढ़े थे। आप लोग अपना रिवीजन कैसे करते हो प्लीज वो भी मेरे से शेयर कर दिया करो यार, कि हाँ हम अपना रिवीजन इस टाइप से करते हैं, अगर ये ट्राई करते तो वो हम देखेंगे ट्राई करके, हो सकता है कि आप जो रिवीजन कर रहे हो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, मेरा उतना, हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो मेरे लिए सही है, बट आप अगर किसी का अच्छा लगा हो तो वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारा सीन है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, कल नया सीट भी मिलेगा मेरे को, कल जो भी नया सीट मिलेगा वो शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, और बाकी जैसे आप टेलीग्राम पे बताए थे कि जुड़ो ज्यादा से ज्यादा, जो भी शेयर करना चाहिए, बहुत लोग शेयर करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारा शेयर होता है वहाँ पे, तो सही लगता है। तो आई होप कि ये वीडियोस वगैरह आपको पसंद आ रहे होंगे, कोई भी क्वेरीज के लिए आप, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि हम कवर करें, वीडियो बना के शेयर करें, तो वो भी बताओ, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मेरे को। एक क्वेरी आया था कि क्वांट स्ट्रेटजी आप कैसे, क्वांट के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते, तो वो ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके, थोड़ा सा एक दो वीडियो आप पीछे जाओगे तो आपको मिल जाएगा क्वांट स्ट्रेटजी मेरा क्या रहता है, हम कैसे रिविजन करते, कैसे पढ़ते, कैसे उस पर इतना टाइम देते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते, जाते जाते वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और वो सब्सक्राइब बटन दबा के जाओ, मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।